नमस्कार, हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। योगिक स्वास्थ्य की कला सिखाएंगे ब्रह्म कुमारी माउंट आबू के सुप्रसिद्ध राजयोगी डॉक्टर बी के राजयोग। डॉक्टर प्रेम मसंद का एक सप्ताह के दौरे पर भोपाल आगमन, लोगों के जीवन से तनाव, हताश, निराश दूर करने पर केंद्रित होंगे कार्यक्रम। यह जानकारी मीडिया को बहन डॉक्टर रीना ने दी। कई पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। होशंगाबाद रोड पर जो सेंटर बना हुआ है वहाँ पर बहुत सुंदर आज 4 दिवसीय राज्य शिविर का आयोजन शुरुआत हुई है उसकी, और साथ साथ मीडिया सम्मेलन का भी यहाँ बहुत सुंदर आज प्रोग्राम हुआ है। मीडिया सेमिनार रखा गया था जिसका विषय था एम्पावर्ड मीडिया फॉर बेटर वर्ल्ड। आज हम सब चाहते हैं कि हमारा समाज सुखी समाज बने, तनावमुक्त समाज में लोग रहें, इसी उद्देश्य को लेकर ये मीडिया सेमिनार यहाँ आयोजित हुआ। और इसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमने माउंट आबू से डॉक्टर प्रेम मसंद भाई जी, जो कैंसर विशेषज्ञ थे और ब्रह्मा कुमारी इसके बहुत ही सीनियर फैकल्टी हैं, वे आए और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया में जो सेवाएं अपनी दे रहे हैं मीडियाकर्मी भाई और बहनें, उन्होंने उनको तनाव मुक्त रहने के लिए बहुत सुंदर टिप्स भी दिए और सकारात्मक और सशक्त पत्रकारिता करने के लिए प्रेरित किया। तो ये डॉक्टर प्रेम मसंद भाई जी का 7 दिवसीय आयोजन है जो 7 दिनों तक पूरे भोपाल में चलेगा। डॉक्टर प्रेम मसंद भाई जी 7 दिन के लिए यहाँ पहुँचे हैं और साथ में उनके डॉक्टर छाया बहन भी पहुँची हुई हैं, जो म्यूजिकल एक्सरसाइज के द्वारा सबको बहुत सुंदर तरीके से मोटिवेट कर रही हैं। कई सारे मेडिकल कॉलेज में, कई इंजीनियरिंग कॉलेज में, कई इंडस्ट्रीज एरिया में बहुत सारे प्रोग्राम 7 दिनों के अंदर करने का ब्रह्मा कुमारी इसके ब्लेसिंग हाउस सेंटर ने संकल्प लिया। ये 4 दिन जो आयोजन होने वाले हैं इसका समय रहेगा? जो सवेरे का सत्र रहेगा वो 7 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग आ सकते हैं, कोई फीस नहीं, एकदम निःशुल्क है। और इसका विषय अपने आप में बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य आपके हाथों में। इस सत्र के अंदर, शिविर के अंतर्गत हम लोग डॉक्टर प्रेम मसंद के द्वारा और ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा स्वास्थ्य के बारे में, आहार के बारे में, खुशनुमा जीवन जीने के लिए, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए बहुत सुंदर उद्बोधन दिया जाएगा। शाम को आयोजन, शाम को जगह जगह पब्लिक प्रोग्राम रखे गए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? मैं समाज को और भोपाल वासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस भागदौड़ के जीवन में थोड़ा समय आप अपने लिए निकालें। हमने बाहर बहुत कुछ जोड़ लिया है, जुगाड़ कर ली है, लेकिन थोड़ा सा समय आप अपने आप को दें। जो आपके दिल को अच्छा लगता है, जो मन को सुकून देता है, जो मन को शांति देता है, वो कार्य करें और मेडिटेशन और आध्यात्म के पथ के द्वारा आप अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाएं। परमात्मा ने ये बहुत सुंदर जीवन दिया है, इस जीवन को हमें खुशनुमा होकर जीना।